खोलने के लिए फीफा को। दशहरा पर नगर निगम की ओर से रावण का चबूतरा मैदान में भारी जनसमूह के बीच रावण का दहन हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक साथ तीर चलाया, लेकिन रावण के दहन होने में काफी टाइम लग गया। इस पर सियासत तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि रावण के पुतले में पटाखे कम लगाए गए थे, इसलिए रावण जलने के बाद भी सीना ताने खड़ा रहा। बाद में नगर निगम के अधिकारियों ने रस्सी खींचकर रावण को गिराया। कांग्रेस का कहना है कि आयोजन जिस तरह से किया गया, इसमें भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। रावण के पुतले में कम पटाखे थे, इसलिए आतिशबाजी नहीं हुई। पूरा जोधपुर इस घटना से निराश हुआ है। कांग्रेस ने इसकी जांच की मांग की है। आज जिस तरह रावण का दहन हुआ, जिस तरह निगम के पूर्व कमेटी ने, महापौर ने घोषणाएं की थी कि भाई रावण में हमने बहुत अच्छा बजट लगाया है, चुनरी उड़ाएंगे, उसमें बहुत सुंदर पटाखे होंगे और बहुत मिनट देर तक चलेगा, लेकिन जब विस्तृत हम वहां गए और समरूप देखा तो ऐसी कोई हमें नज़र नहीं आया नज़रिया। और रावण जब दहन हुआ उसके 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद भी रावण डहा नहीं, तो इस तरीके का जो रावण दहन का जो एक मकसद होता है कि बुराइयों पर जीत का, तो जब तक रावण दहन पूरा नहीं हो पाता है तो हम ये मानते हैं कि वो पूरी तरह से दहन नहीं होता है। तो जिस तरह हमारा एक मकसद होता है कि हम बुराई पर जीत हासिल करते हैं रावण दहन को लेकर, हमने देखा कि निगम इस बार अपनी कमेटी और महापौर और उप महापौर जिस तरीके से उन्होंने वादे किए थे उन पर वो पूरे खरे नहीं उतरे। और जो उन्होंने वादे किए जनता के साथ कि 15 से 16 हज़ार जनता आएगी उसको देखने के लिए, लेकिन जनता भी खुश होकर नहीं गई रावण दहन को लेकर। जी, बहुत गंभीर विषय है। आज रावण दहन के कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मुख्य अतिथि थे, और जो रावण परंपरा चली आ रही है, जो रावण दहन होता है, हम ये इसलिए मनाते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो। तो बड़ा दुख हुआ, मैं खुद भी वहाँ मौजूद थी, और जिस तरह से रावण नहीं जला और सिर्फ गिर गया और ना उसमें पटाखे छूटे और बच्चे वहाँ जाकर पटाखे ले रहे थे जो नहीं जल पाए, तो ये एक गंभीर विषय है। और मेरे ख्याल से इसके लिए जांच कमेटी बननी चाहिए। 4 लाख का बजट एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, और मैं खुद भी 10 साल से पार्षद रही हूँ निगम में, तब हमेशा परंपरा अनुसार हम ये कार्यक्रम किया करते थे। ऐसा मैंने प्रथम बार ही देखा है कि रावण और उनका परिवार जो है वो नहीं जला। और एक बार ऐसा होता था कि हम लोग ढंग से आँख भी नहीं खोल पाते थे, इतना धुआं हो जाता था और इस तरह से पूरी तरह से जलता था, उसके बाद हम लोग निकलते थे। और कई देर इंतज़ार करने के बाद भी जब रावण और उनका परिवार नहीं जला, तो ये गंभीर विषय है और इसके पीछे पूरी जाँच कराई जाएगी।